बिना एटीएम कार्ड के आप लोग पैसे कैसे निकाल सकते हो एटीएम से, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप लोग बिना एटीएम से, अपने एटीएम से आप लोग पैसा निकाल सकते हो अपने फ़ोन की मदद से। बस आप लोगों के पास अपना फ़ोन होना चाहिए, जिससे दोस्तों आप लोग गूगल पे फ़ोन पे यूज़ करते हो, बस आप लोगों के पास वो फ़ोन होना चाहिए और आप लोग अपने एटीएम से दोस्तों बिना किसी एटीएम कार्ड के आप लोग पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो वो दोस्तों आप लोग कैसे कर सकते हो आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों को सिंपली अपने नियर बाय में एटीएम में चले जाना है और आप लोगों को एटीएम नहीं लेके जाना, आप लोगों को बस अपना फ़ोन लेके जाना है। जैसे ही आप लोग अपने बैंक में पहुँचोगे, अपने एटीएम में पहुँचोगे, आप लोगों को वहाँ पे एक जो ऑप्शन आएगा क्यूआर कोड का, आप लोगों को कुछ नहीं छेड़ना है, क्यूआर कोड पे यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट अमाउंट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों को कितनी अमाउंट यहाँ से निकालनी है। उसके बाद आप लोगों को अपना गूगल पे या फ़ोन पे जो भी आप लोग चलाते हो उसको आप लोगों को ओपन कर लेना है और आप लोगों को उस स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड होगा उसको आप लोगों को वहाँ पे स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ से अपने पासवर्ड को एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से पेमेंट हो जाएगी, आप लोगों को एटीएम से पेमेंट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए प्रोसेस है। अगर आप लोग एटीएम भूल जाते हो तो दोस्तों इस वाले प्रोसेस से भी आप लोग अपने एटीएम से अब पैसा निकाल सकते हो। ये दोस्तों अभी कुछ ही बैंकों में लागू हुआ है क्यूआर कोड का, जैसे कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारे, मतलब अभी सभी बैंकों में ये ऑप्शन आया नहीं है क्यूआर कोड का, तो कुछ ही बैंक जो बड़े बड़े हैं उनमें ही ये क्यूआर कोड का ऑप्शन आया है। तो दोस्तों बहुत सारे बैंकों में अभी नहीं आया है, तो धीरे धीरे करके सभी बैंकों में हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। हम बिना एटीएम के भी अपने पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। साथ साथ चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।